हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो कि मेरे पास है इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। ये जो कि फ़ोन है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने एक OTG यहाँ पे लगाया है, लेकिन OTG जो कि इसमें जो कि शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर को गया, देखिए यहाँ पे हमको जो कि कुछ भी दूसरा जो कि हमको डिवाइस जो कि नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक पेन ड्राइव लगा है यहाँ पे, देखिए शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ही जो कि इंटरनल मेमोरी आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हमको क्या जाना पड़ेगा, कहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा, पूरा ऊपर माई फोन में जाना पड़ेगा। माई फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ट नंबर एक ऑप्शन आएगा, बिल्ट नंबर पे आपको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। यू आर नाउ ए डेवलपर, तो डेवलपर एक ऑप्शन हमको मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा हमको, ये हमको सिस्टम में मिलेगा। तो सिस्टम में जब क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन आपको पूरा नीचे आ गया। यहाँ पे हम जो क्लिक करेंगे, तो हमको ऐसे सारे जो के ऑप्शन आएगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, OMI अनलॉक पे क्लिक कीजिएगा, अनलेबल कर दीजिएगा, नीचे नीचे जाइएगा। यहाँ पे USB डबलिंग एक ऑप्शन आ रहा है, इसको भी आप अनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जो कि जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे नो डाटा ट्रांसफ़र को आपको फाइल ट्रांसफ़र पे कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। कर देने के बाद आपको जो कि ये जो OTG है शो होगा, तो जो कि आपको फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करके ऑन करने से हो जाएगा। तो चलिए अभी हम जो कि रिबूट कर देते हैं। तो फ्रेंड, जो कि रिबूट हो जाने के बाद आपका फाइल मैनेजर में आपका जो कि डिवाइस जो कि शो होगा। तो ये था वीडियो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।